नमस्कार बच्चों, जो आज हमारा विषय है हिंदी, ठीक है। इसमें हम करेंगे कक्षा सातवीं में पार्ट नंबर 8। तो हमारे पार्ट का नाम है पूर्व की ओर। तो राहुल संस्कृत्यान द्वारा लिखित ये जो पाठ है पूर्व की ओर, तो इन्होंने सप्तभंगनी राज्यों के बारे में बताया है, 7 राज्यों के बारे में बताया है। तो सबसे पहले लेखक कहते हैं कि उनको बचपन से ही राज्य में घूमने की बहुत इच्छा थी, भ्रमण करने की तीव्र इच्छा थी। जो पूर्व के राज्य हैं, 7 राज्य हैं, उनके बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। तो कहते हैं कि उनके पिता जब जैसे ही छुट्टियाँ पड़ी तो उनके पिताजी उनको वहाँ पर ले जाते हैं, पूर्व सप्तभंगनी राज्यों को दिखाने के लिए ले जाते हैं, पूर्व की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको हम सप्तभंगनी राज्य कहते हैं। जो उत्तर पूर्व दिशा में जो राज्य हैं, जो बीच में थोड़े से भारत से कटे हुए हैं, तो जो 7 राज्य भारत से थोड़े से अलग दिखते हैं उनको सप्तभंगनी राज्य कहा जाता है, ठीक है। ये अवधारणा जो थी जनवरी 1972 में ज्योतिराव सकैया के द्वारा दी गई थी, उन्होंने इन राज्यों को सप्तभंगनी राज्यों की अवधारणा दी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जब वो अपने पिताजी के, अपने अभिभावक के साथ, माता पिता के साथ सप्तभंगनी राज्य देखने के लिए गए, पूर्व के और राज्यों में गई, तो सबसे पहले उन्होंने जो राज्य देखा, सबसे पहले सप्तभंगनी राज्यों में सबसे पहले जो राज्य देखा वो था असम, ठीक है, जिसको कि पूर्व का द्वार भी कहा जाता है। पूर्वी राज्यों में जो सबसे पहला राज्य आता है वो असम राज्य आता है। तो असम राज्य में जो देखने योग्य स्थल है वो देखेंगे कि जैसे ही लेखक कहते हैं कि हमने सप्तभंगनी राज्यों में सबसे पहले हमने असम राज्य में प्रवेश किया, तो सबसे पहले हमें चाय के बागान देखने को मिले। असम जो है वो चाय के बागानों के लिए जाना जाता है, तो सबसे पहले जो है वो असम राज्य देखा। तो असम राज्य में दूर तक फैले चाय के बागान थे, घाटियां, सुंदर घाटियां, पर्वत जो कि देखने योग्य थे। यहाँ पर जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, यहाँ पर और भी जानवर पाए जाते हैं, जैसे हिरन, सांभर, लंगूर, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, हाथियों के समूह और भी अधिक जानवर हैं। लेकिन जो वहाँ का मेन जो काजीरंगा उद्यान जाना जाता है, जिसके लिए वो फेमस है, वो है हमारा एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे असम में एकमात्र पर्वतीय स्थल है हॉफलॉन्ग समुद्री तल से, जो कि 680 मीटर की ऊंचाई तक स्थित है, ठीक है। ये जो हॉफलॉन्ग आशियन भाषा में अर्थ होता है सफ़ेद चींटियों का पहाड़, ठीक है। जो असमिया भाषा में इसका अर्थ, हॉफलॉन्ग का असमिया भाषा में अर्थ है सफ़ेद चींटियों का पहाड़, जहाँ पर लगभग 2 लाख अलग अलग प्रकार के फलों के लिए जाना जाता है। जो कि हॉफलॉन्ग पर्वत है वो 2 लाख अलग अलग फलों के लिए जाना जाता है, 2 लाख अलग अलग प्रकार के फल जो है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद असम में देखेंगे कि जो कामाख्या शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठों में जो आता है वो भी असम में है, ठीक है। अब यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का प्रसिद्ध गुरु धुबरी गाँव ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। शिव सागर नामक से स्थित शिवडोल मंदिर भारत का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी यहीं पर है। अर्थात असम जो राज्य है वहाँ पर एक चाय के बागान, एक सींग वाला घंटा, ठीक है, हॉफलॉन्ग पर्वत जो कि 2 लाख अलग अलग फलों की प्रजातियों के लिए मशहूर है, फेमस है, कामाख्या शक्तिपीठ वहाँ पर पाया जाता है। तो ये सब देखने योग्य असम में जगहें हैं जो कि वहाँ की सुंदरता का वर्णन करती है। उसके बाद लेखक पहुंच गए दूसरे राज्य मेघालय। असम के बाद वो पहुंच गए मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ठीक है। शिलोंग एक छोटा सा शहर है, यहाँ के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है। मानसून में जब शिलोंग में बारिश होती है तो शहर की खूबसूरती देखने योग्य होती है, शहर बहुत ही सुंदर हो जाता है। यहाँ पर लेडी हैगरी पार्क है जो कि फूलों से, विभिन्न प्रकार के फूलों से सुसज्जित है, और यहाँ पर अलग अलग प्रकार की तितलियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। और आपको पता ही है मेघालय में जो मानसी राम है और चिरापुंजी झरना है वो जो कि विश्व में सर्वाधिक बारिश के लिए जानी जाती है, ठीक है। पहले चिरापुंजी में सबसे अधिक बारिश होती थी, लेकिन अब मानसी राम में
पूरे विश्व में सबसे अधिक बारिश जो है वो होती है। तो ये जगह जो है वो मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो पहले हमारे राज्य आ गया असम, दूसरे नंबर पे हमने देखा मेघालय। अब तीसरी जगह पर पहुंचाते हैं लेकर, वो है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा में देखने योग्य स्थल हम देखेंगे कि नीरमहल, सिपाही चला, डुमरू झील, अगरतला रेलवे स्टेशन, जो कि त्रिपुरा में देखने योग्य है। और यहाँ पर एक ऊनाकोटी त्रिपुरा में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो जगह इसलिए जानी जाती है कि कहा जाता है कि ऊनाकोटी में कल्लू नामक कुम्हार ने एक ही रात में एक करोड़ मूर्तियाँ बनाई थी। त्रिपुरा का जो ऊनाकोटी शहर है, जो कि जगह है, जो पर्यटन स्थल है, वहाँ की एक मशहूर कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ जो कल्लू नामक कुम्हार था, उसने एक ही रात में एक करोड़ मूर्तियाँ बनाई थी। और इससे पता लगता है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। मानो यहाँ आकर हमें ये लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सप्तभंगी राज्यों में हमने अभी तीन राज्यों के बारे में पढ़ा, असम, मेघालय और त्रिपुरा। उसके बाद हम देखेंगे, अब हमारे नंबर चार पे चौथा राज्य है, नंबर चार पे हमारा राज्य है मिजोरम। अब मिजोरम में हम देखेंगे मिजोरम शब्द जो है वो मिजो शब्द से लिया गया है, जिसमें मिजो का अर्थ है पहाड़ी आदमी या पहाड़ पर रहने वाला। ठीक है, अब मिजोरम में देखेंगे, मिजोरम की जो कैपिटल है वो आइजोल है। मिजोरम नगर एक पर्वतीय नगर है, पहाड़ों वाला राज्य है। ठीक है, इसकी सीमाएं जो है वो म्यांमार राज्य से लगती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि म्यांमार से लगती सीमा में ही चम्फाई नामक एक पर्यटन स्थल जो है, जो हमारा मन मोह लेता है। यहाँ पर मिजोरम में जो चम्फाई नामक एक पर्यटन स्थल है, जो कि मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक वातावरण है, जो कि पर्यटकों का मन मोह लेता है। पर्यटक यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ के समीप ही एक तापदिन नामक एक प्राकृतिक झील भी है। ठीक है, जो कि प्राकृतिक झील है। उसके बाद है यहाँ वनताम जलप्रपात भी झरना, जो कि विश्व ये मिजोरम में सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। जहाँ ऊंचाई से जो पानी गिरता है उसको झरना कहते हैं, उसको हम जलप्रपात भी कहते हैं। तो मिजोरम में जो वानताम जलप्रपात है, वो सबसे ऊंचा झरना जो है वो वहाँ का माना जाता है। तो ये हमारे नंबर चार पे राज्य हो गया मिजोरम, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मिजोरम के बाद हम आएंगे मणिपुर। अब मणिपुर में देखेंगे, मणिपुर का अर्थ है आभूषणों की भूमि, जो कि आभूषणों की भूमि के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर कांडलाशा मणिपुर का राज्य माना गया है। अब मणिपुर में हम देखेंगे, मणिपुर को जीव जंतुओं के कारण यहाँ का पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मणिपुर को पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ की जो फल फूल हैं, पहाड़ियाँ जो है, झरने, नदियाँ अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। अर्थात ये बहुत ही सुंदर राज्य है। अब इसमें हम देखेंगे खारीन बंद बाजार, शहर मीनार, निपुशान, ये सब यहाँ की देखने योग्य स्थल हैं। अब मणिपुर के बारे में एक कहानी भी वर्णित है, महाभारत के समय की एक कहानी है। कहा जाता है कि जो मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा थी, उसको अर्जुन जी ने शिरोही लिली फूल देकर प्रभावित करके उनसे शादी की थी। जो मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा थी, उसको अर्जुन जी ने, महाभारत के जो अर्जुन जी थे, उन्होंने उनको शिरोही लिली फूल देकर प्रभावित किया था और उनसे विवाह किया था। और इस कहानी का वर्णन जो है वो विष्णु प्रिया मणिपुर नामक संप्रदाय में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दल यात्रा, हिक्रू, हिंटोगा, ठीक है, कोंडला, रथ यात्रा, यहाँ की प्रमुख त्यौहार हैं, जो कि इसके लिए जाने जाते हैं। अब मणिपुर के बाद हम आ जाएंगे नागालैंड। ठीक है, अब हमारा देखो नंबर छः पर राज्य आ गया नागालैंड। अब नागालैंड में हम देखेंगे कि यहाँ की जो ब्याई पहाड़ी है, नागालैंड सरकार के द्वारा संग्रहालय के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो ब्यावी पहाड़ी नागालैंड सरकार के द्वारा संग्रहालय के लिए जानी जाती है। यहाँ संग्रहालय बना हुआ है, जहाँ पर यहाँ के सांस्कृतिक और इतिहास से जुड़ी हुई वस्तुएं
रखी गई है। ये जो कोहिमा गांव है नागालैंड की, जो कैपिटल है कोहिमा, अब कोहिमा जो यहाँ का गांव है वो एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी के लिए जाना जाता है। नागालैंड का कोहिमा गांव है वो वहाँ की सर्वाधिक घनी आबादी के लिए जाना जाता है। अब देखेंगे कोहिमा की से 30 किलोमीटर पर एक दजुई घाटी है, दजुको घाटी है, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, जिससे पर्यटन जो है वो बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, अर्थात उसको देखने आते हैं, घूमने आते हैं। यहाँ की जो जफू चोटी है वो सदाबहार वनों के लिए जानी जाती है। नागालैंड की जो जफू चोटी वो सदाबहार वनों के लिए जानी जाती है। अब नागालैंड के बाद हम पहुँच जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। सात राज्यों में अब अंतिम राज्य आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल की प्रदेश की कैपिटल राजधानी जो है वो ईटानगर है। अब ईटानगर जो नाम पड़ा है वो वहाँ का जो ईटा किला है उसके नाम पर पड़ा है। ईटा जो है यहाँ का सब प्रसिद्ध जो है बहुत ही मशहूर बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो किला माना जाता है, और इसी ईटा किला के नाम से इस शहर का नाम ईटानगर पड़ा है। और 14वीं और 15वीं शताब्दी से यहाँ जो है इस किले का निर्माण जो था वो हुआ था। इसके बाद ही यहाँ का नाम जो है वो इस शहर का नाम ईटानगर रखा गया। ठीक है, इसकी समीप ही पौराणिक गंगा झील है। ठीक है, बोमाडिला तंवा निकट यहाँ पर बौद्ध विहार मठ भी है, जो कि मन को मोह लेते हैं। अरुणाचल के जो बौद्ध विहार मठ हैं वो भी पर्यटकों के मन को मुग्ध कर देते हैं, पर्यटक उसको देख के बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ तक हमने 7 राज्य देखे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूर्वी राज्य हैं जिनको सप्तभंगी राज्यों के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में आगे कहते हैं, लेखक कहते हैं कि आदिकाल से ही मनुष्य पर्यटन प्रेमी रहा, घूमने का शौकीन रहा। अब पर्यटन क्या है, जो विद्यार्थी रहे प्राचीन काल के और पूर्व मध्य काल के विद्यार्थी रहे उनका मानना था कि पर्यटन जो है वो मनोरंजन के साथ साथ हमारी शिक्षा की भी पूर्ति करता है। ठीक है, अब देखेंगे, अब अंत में लेखक कहते हैं कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भी यहाँ पर घूमने गया, पूर्वी राज्यों को मैंने देखा। अब इसी पाठ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य का पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है उगते सूर्य का पहाड़, क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूर्व में ये राज्य जो है वो सबसे पहले आता है और सबसे पहले सूर्य उदय भी इसी ही राज्य में होता है, इसलिए इसे उगते सूर्य का पहाड़ भी कहा जाता है। दूसरी बात है मेघालय का जो शिलोंग है, मेघालय में जो शिलोंग मानसिक नाम जगह है वहाँ पर विश्व में सर्वाधिक बारिश होती है। उसके बाद उत्तर पूर्वी राज्य में जो त्रिपुरा और मिजोरम है वो देश के सबसे साक्षर राज्य माने जाते हैं, सबसे पढ़े लिखे राज्य माने जाते हैं। असम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 3 प्रकार के रेशम, स्वर्ण मुर्गा, गर्म हरी रेशम और सफ़ेद पेंट उत्पादन होता है। तो ये आगे हमारे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा के बारे में महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, तो इसी के साथ हमने देखा, आज हमने देखा पाठ हमारा 8 है पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर राज्य में हमने 7 राज्यों के बारे में पढ़ा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। धन्यवाद।